क्या है, कुछ भी हो, उनका हक क्या है? सास ससुर भी माँ बाप की जगह है आप खूबसूरत, लेकिन उसको नहीं वो खूबसूरती उस तरह लगती। ऐसी सूरत में वो उस बच्चे पर रहम करे कि ये किस तरह पलेगा, कहाँ किसके टुकड़ों पे पलेगा, किसके घर पलेगा। अच्छा, गुनाहों से घरों में लड़ाई आती है? जी बिल्कुल, गुनाहों से शोहर बीवी का रिश्ता कमजोर होता है, बिल्कुल। ऐसे में एक औरत इतनी खुदगर्ज ना हो जाए कि अगर शोहर ने उसकी छोटी सी बात नहीं मानी तो उस पर उससे नाराज हो जाए और तलाक का मुतालबा कर दे। हाल पूछने वाले हैं, थोड़ा सा बस आगे होने वाले हैं। अर्रिफ्क वल्लीन बैन अज़्ज़ौजैन, अर्रिफ्क वल्लीन, नरमी और शफकत ज़ौजैन के दरमियान, शोहर और बीवी के बीच में। इन ज़िवाज अय्युहल अहिब्बतुल किराम, बेशक शादी या निकाह ए प्यारे भाइयों, मुअज़्ज़ज़ भाइयों, हुआ वसीलतुन लितहक़ीक़िल मवद्दति वर्रहमति बैन अर्रजुल वल मरअति। हुआ वसीलतुन, वो जरिया है, लितहक़ीक़ी हासिल करने का, अल मवद्दति वर्रहमति मोहब्बत और रहमत के, बैन अर्रजुल वल मरअति मर्द और औरत के दरमियान, यानी शादी मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत और रहमत, केयर एंड काइंडनेस का एक रिश्ता है। वह हुआ मिनल अस्बाबिल जालिबति लिस्सआदती, और वो उन असबाब में से है जो खुशबख्ती लाते हैं, वल इत्मिनानी और इत्मिनान लाते हैं, बैन ज़ौजैन दोनों के दरमियान। यकूलुल्लाहु तआला, अल्लाह ताला का फरमान है, वो मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमा इन फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफक्करून। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से बीवियां पैदा की, यानी तुम ही में से पैदा की, यानी इंसान की बीवी इंसान ही है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ या उनकी तरफ आराम पाओ। तो यहाँ बीवी जो है उसका खानदानी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल पता चल रहा है कि वो अपने शौहर के लिए भी सुकून का बायस होती है और अपने बच्चों के लिए भी। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। इन्न फी ज़ालिक लआयातिल लिक़ौमिन यतफक्करून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हों कि किस तरह दो अजनबी लोगों के दरमियान इतनी मोहब्बत, एक दूसरे पे खर्च कर रहा है, दूसरा दूसरे की खिदमत कर रहा है, यानी सिर्फ एक निकाह के रिश्ते से ये सब काया पलट गई, ये कैसे हो गया? ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। यकूल अल इमाम इब्न कसीर इन रहमहुल्लाह, इमाम इब्न कसीर कहते हैं, मिन तमाम रहमती ही, उसकी मुकम्मल रहमत में से, कामिल रहमत में से, ऐ सुभानहु, यानी अल्लाह ताला की, बि बनी आदमा, बनी आदम पर, अंजअल अज़वाजहुम मिन जिन्सिहिम, कि उसने उनकी अजवाज को उन्हीं के जिन से जोड़ा बनाया, वजअल बैनहुम व बैनहुन्ना मवद्दा, और उनके दरमियान यानी शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। और मवद्दा क्या है? वही अल महब्बा, वो मोहब्बत है। वो रहमा और रहमत, वही अल रअफा, वो शफकत है। फ इन रजुला युमसिकुल मरअता, क्योंकि शौहर या मर्द रोक कर रखता है अलमरअता बीवी को, इम्मा लि मोहब्बती ही लहा, या तो उसके साथ मोहब्बत की वजह से, औले रहमतन बिहा, या उस पर रहमत करते हुए, मेहरबानी करते हुए, बि अन यकून लहा मिन्हु वलदुन, के उससे उसकी औलाद है, औ मोहताजतन इलैही, या वो उसकी मोहताज है, फिल इन्फाकी माल खर्च करने में, औले उल्फत बैनहुमा, या उनकी बाहम मोहब्बत की वजह से, वगैरह ज़ालिका, वगैरह वगैरह। यानी इससे यह पता चलता है कि शौहर बीवी को बाजों का यानी कि उसको अपने साथ रखता है, उस पर माल खर्च करता है, क्योंकि उससे मोहब्बत करता है। कभी मोहब्बत इतनी नहीं भी होती, इतनी अट्रैक्शन एक दूसरे की नहीं भी होती, लेकिन वो उस पर रहम करता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगी। कभी इसलिए यानी वो भी नहीं होती बात, लेकिन बच्चे होते हैं तो बच्चों की वजह से। कभी ऐसा है कि बीवी बहुत मोहब्बत करने वाली होती है तो उस वजह से कि आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे असबाब होते हैं जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग डेवलप होती है और ये रिश्ते मजबूत होते हैं। इन चीजों पर, इन फैक्टर्स पर गौर करना चाहिए। अगर एक चीज काम नहीं कर रही, मसलन आप समझते हैं कि आप एक दरमियानी शक्लो सूरत के मसलन, और ये चीज शोहर को अट्रैक्ट नहीं कर रही आपकी शक्लो सूरत, या इसके जरिए आप उसकी तवज्जो नहीं ले रहे, क्योंकि मर्द के लिए औरत की खूबसूरती जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन की चीज होती है, उसकी वजह से वो बहुत सी और चीजों को इग्नोर कर देता है। तो अगर हैं आप खूबसूरत, लेकिन उसको नहीं वो खूबसूरती
उस तरह लगती है, वो उसकी चॉइस नहीं, पसंद नहीं, माँ बाप ने शादी कर दी, अब क्या है कि आपकी केयर, आपकी काइंडनेस और इस तरह की चीजें जो है वो मजबूर करेंगी उसको कि आपको रोक के रख, या खिदमत, या बच्चों की अच्छी तरबियत, या घर का अच्छा इंतजाम व इंसराम, या आपकी खैरख्वाही, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। एक काम नहीं करी तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, घर बनाने पड़ते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ये बनी बनाई चीजें नहीं मिलती, हर एक को इनमें मेहनत और वर्क करना पड़ता है, और बाज़ुकात मर्द से ज्यादा औरत को घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी चीजों को कुर्बान करना पड़ता है। जो औरतें जिद में आ जाती हैं, सिर्फ अपने मुतालबे मनवाना चाहती हैं, सिर्फ अपनी ही बात ऊपर रखना चाहती हैं, वो कभी नहीं बच सकती, क्योंकि बाज़ुकात औरत क्या चाहती कि हर बात उसकी मर्जी की हो, ना शौहर की मर्जी, ना सास की मर्जी, ना घर के किसी और फर्द की मर्जी, ना कुछ, हर काम उसकी मर्जी और मतलब का हो, और जब वो नहीं होता तो नाराज रहती, और छोटी छोटी बातों पे नाराज, ये नाशुकरी की इंतहा है। ऐसा शख्स ना दुनिया में खुश रह सकता और अपनी आखिरत को भी दांव पे लगाया हुआ उसने, क्योंकि आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी वाज़ेह हदीस और इतनी डरा देने वाली हदीस है जिसमें आता है कि शौहरों की नाशुकरी से बचो, क्योंकि मैंने औरतों की अक्सरियत को जहन्नम में पाया है, क्योंकि शौहर की नाशुकरी जो है वो औरत के लिए जहन्नम में ले जाने का बायस। एक और मौके पर फरमाया, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी जहन्नम है, यानी तुम्हारा सुलूक और रवैया और मामला शौहर के साथ कैसा है, इस पर तुम्हारी आखरत का निसार है। तो इसमें मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां कुछ और हैं और औरत पर कुछ और हैं, जब तक दोनों नहीं निभाएंगे, दोनों पूरी नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। लेकिन बाज़ुकात एक फरीक कर रहा तो दूसरा नहीं कर रहा होता, तो भी सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हालात में बेहतरी हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना लेना और फितना फसाद क्रिएट करना ये दुरुस्त नहीं। बस रिवाज अय्युहल अफादिल, तो शादी ए मज़्ज़ भाई युईनु अला इफाफिन नफ्स, मदद करती है नफ्स की पाकिजगी पर, यानी इंसान के ख्यालात नहीं भटकते, अनिल महर्रमाती हराम कामों से, व तत्हीर मुजतमाई मिनल मुनकराती और माशरे को पाक करती है मुनकरात से, व मुनाफिउहु जलीलतुन इसके बहुत बड़े फायदे हैं, जलीला का क्या माना होता है, अजीमा, व मसालिहुहु कसीरा और उसकी मसलहतें बहुत सी हैं, ला तउम्मु फकत अर्रिजाल अव अन्निसा नहीं आम मर्दों और औरतों तक, बलिल उम्मत जमा बल्कि सारी उम्मत तक उसके असरात जाते हैं। कैसे, अगर मियां बीबी में नहीं बनती और बच्चे भी हैं तो फिर क्या होगा, बच्चे रुल जाएंगे। अब एक औरत के 5 या 6 बच्चे और तलाक ले बैठती है, ये एक भी बच्चा है, तब आप देखें जो बच्चा बाप के बगैर पलेगा उसका क्या बनेगा, नाना नानी और मामू और दीगर लोग जो मर्जी हो, बाप नहीं बन सकते, बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो ऐसे में एक औरत इतनी खुदगर्ज ना हो जाए कि अगर शौहर ने उसकी छोटी सी बात नहीं मानी तो उस पर उससे नाराज हो जाए और तलाक का मुतालबा कर दे, ऐसी सूरत में वो उस बच्चे पर रहम करे कि ये किस तरह पलेगा, कहां किसके टुकड़ों पे पलेगा, किसके घर पलेगा, क्या बनेगा इसका। क्योंकि बाज़ुकात माँ बाप अपने बच्ची का सोचते हैं, वो उसकी शादी की फिक्र में होते हैं, और जहां रिश्ता देखा जाता है या कोई रिश्ता आता है उसे कहते हैं आप फिक्र नहीं करें, बच्चा हम रख लेंगे, आप लड़की ले जाए हमारी, क्योंकि माँ बाप को तक हमारी बच्ची बस जाए, क्योंकि वो जो अगला रिश्ता है ना बच्ची का, बच्चे का, वो उतना महबूब नहीं होता जितना अपने बच्चे की फिक्र होती है, कुदरती बात है। अब वो बच्चा किसके यहां पल रहा है, किसके साथ पल रहा है, अपने आप को वहां रख के देखें। तो बाज़ुकात अपनी ख्वाहिशात की तकमील में बच्चों की जिंदगियां दांव पे लगा देते हैं और पूरी उम्मत की बर्बादी हो जाती, यानी उस तक असरात जाते हैं, क्योंकि खानदानी जिंदगी पर इज्तिमाई जिंदगी की मजबूती का इंहिसार है। अब ऐसे बच्चे जो मोहब्बतों से महरूम पलते हैं तो फिर क्या होता है, वो सारे माशरे से इंतकाम लेना शुरू कर देते हैं, बाज़ों के चोर डाकू बन के निकलते हैं और ऐसी खराबियां बड़ी बड़ी करने लगते हैं, इल्ला माशाल्लाह, जिसको अल्लाह संभाल ले वो अलग बात है। यकूल इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह, इमाम इब्न कुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फइन्नहु यश्तमिलु अय अज़्ज़िवाजु, कि मुश्तमिल है शादी, अला तहसीन दीन वल इहराज़ी, दीन के तहफ़ुस और उसकी मजबूती पर, हिस्न होता है तहफ़ुस, यानी किले को कहते हैं ना, किला तहफ़ुस फराहम करता है,
व एहराज और उसकी हिफाजत पर, व तहसीन अलमरअति व हिफ्ज़िहा और औरत की मजबूती और उसकी हिफाजत पर, वल क़याम बिहा और उसकी निगरानी पर। औरत को शौहर की निगरानी चाहिए होती, शादी से पहले माँ बाप की निगरानी चाहिए होती, शादी के बाद शौहर की निगरानी चाहिए होती है, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत पर क्या बनाया है, कवाम बनाया है। क्योंकि आज के लिए ट्रेंड बहुत हो रहा है, हम खुद कमा सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम क्यों रोज की बातें सुने, हमारी मर्जी क्यों ना चले, हम सिर्फ शौहर की क्यों सुनते रहे। लेकिन सिर्फ खाना पीना ही तो मसला नहीं ना जिंदगी का, इज्जत और आबरू की हिफाजत भी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, औलाद के मामले में फैसले करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए। वह ईजाद नस्ल व तकसीर उम्मती, और नस्ल के वजूद में लाने के लिए और उम्मत की तादाद में इजाफे के लिए, व तहकीक मुबाहात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर कसरत के फखर को साबित करने के लिए, वगैरह ज़ालिका और इसके अलावा भी मिनल मसालेह राजही, और ऐसी मसलतें जो राजे हैं यानी अहम हैं, अहदुहा अला नफल इबादती, जो नफल इबादत पर भी भारी हैं, यानी नफली इबादत और दीगर काम करने से ज्यादा अहम है। इन्ना मिम्मा यंबगी अला ज़ौजैन, जो चीज ज़ौजैन के लिए लाजिम है, अय्युहल किराम ए मोअज़्ज़ज़ भाइयों, अन यशकुरा, कि दोनों शुक्र गुजार हों अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह जल्ला व अला, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के, अला अन यस्सर अल जमअ बैनहुमा, कि अल्लाह ने उन दोनों के लिए आसान कर दिया इकट्ठे रहना, वफ़क़हुमा लिहाज़िही निअमति अल अज़ीमति, और उन्हें तौफीक दी इस अजीम नेमत की, यानी अल्लाह ने उनको जमा कर दिया, और जमा होना उनका, इकट्ठे होना और फिर बाद में इकट्ठे रहना, मिलके रहना आसान कर दिया, और ऐसी नेमत अता की अल्लाती हुर्रिमा मिन्हा अलबाज़, कि जिससे बाज लोग महरूम है। किसी भी नेमत का शुक्र उस वक्त आता है जब इंसान ऐसे लोगों को देखे जिनके पास वो नेमत नहीं है, फिर इंसान शुक्र करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत है। वमिन शुक्र हाज़िही निअमति अलजलीलती, और इस अजीम नेमत के शुक्राने के लिए क्या लाजिम है, अन यबतईदा, कि वो दोनों दूर रहें, अन कुल मा कद यकून सबबन फी कत हब्ल अलवसल अल्लज़ी बैनहुमा, हर उस चीज से जो इस मिलाप की रस्सी को काटने का सबब हो, जो उन दोनों के दरमियान, वसल कहते हैं मिलाप को, यानी इस ताल्लुक के टूटने का जो भी कोई सबब है उससे दूर हो जाए, कोई इंसान है, कोई काम है, कोई जॉब है, माँ बाप है, कोई भी, तो बड़ी अहम बात है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा इंटरप्ट ना करे, हत्ता के माँ बाप भी ना करे, कोई दोस्त ना करे, किसी और की मोहब्बत ना करे, नहीं, अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया, अल्लाह ने इनको इकट्ठा किया, अब ये दोनों इसको निभाने की फिक्र करें, और हर उस चीज से दूर हो जो इस रिश्ते में खलल डालने वाली, कहीं पर किसी भी जगह किसी भी घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई चीज जो लड़ाई का बायस है उसे खत्म करना जरूरी है, खा वो कोई इंसान है, खा वो कोई काम है, खा वो कोई आदत है, उसको हटाना जरूरी है, ताकि दोनों का आपस में निभाव अच्छा हो, और ये मर्द और औरत दोनों को करना होगा। व तश्दीद शमली हिमा, और जो बखेरने वाली है उनके इत्तेहाद को, खासतन अलमासी व दुनूब, खास तौर पर नाफरमानियां और गुनाह, अल्लती ही असलु कुल्ली बला, जो हर मुसीबत की जड़ है, व मस्दरु कुल्ली शका, और हर बदबख्ती का सबब है, सोर्स है, मस्दर होता है जहां से चीज निकलती, निकलने का मकाम, वो अलैहिमा मुराआतुमा बैनहुमा मिन हुकूकिन व वाजिबातिन, और उन दोनों पर लाजिम है कि वो एक दूसरे के हुकूक अदा करें, और जो चीजें वाजिब है एक दूसरे के मामले में उनका लिहाज रखें, मुराआत यानी निगरानी करना, उनका लिहाज व पास रखना, जो भी हुकूक और वाजिबात है, फयुअद्दिज़्ज़ौजु मा यजिबु अलैहि, तो अदा करेगा शौहर जो उस पर वाजिब है, मिन नुस्हिन व इरशादिन लिज़ौजतिही, अपनी बीवी की खैरखाही और नसीहत के मामले में, जो शोहर को लाजिम है करनी वो जरूर करे, वह औलादी ही और अपनी औलाद के मामले में, फयहुस्सुहुम अला मा यनफअहुम फिद्दारैनि, वो उन्हें उभारे उस चीज पर जो उन्हें दोनों जहानों में फायदा देगी, वयुहद्दिरुहुम मिम्मा यदुर्रुहुम, और डराए उनको
जो उनको नुकसान देने वाली चीज है। वह अलैहि अन युनफिक अलैहिम, और शौहर पर लाजिम है कि वो उन पर खर्च करे यानी बीवी बच्चों पर, बिमा तयस्सर इंदहू, जो भी उसे मयस्सर है। वह यहरिस अला तौफीर हाजियातिहिम, और वो हरीस हो किस चीज का, उनकी जरूरियात पूरी करने का। ये शौहर की जिम्मेदारियां हैं, फराइज हैं। वह अलल मरअति, और औरत पर क्या लाजिम है, अंतुति अजौजहा, कि वो क्या करे, अपने शौहर की इताअत करे। वतहरिस अला तहकीकी रगबातिही फी गैर मासियतिल्लाहि जल्ला वअला, और वो हरीस हो किस चीज की, शौहर की ख्वाहिशात पूरी करने की नाफरमानी के कामों के अलावा। गैर मासियतिल्लाहि, अल्लाह की नाफरमानी के कामों के अलावा बाकी जो शौहर के मुतालबे हैं वो उनको पूरा करे। वतकूम बिमा यजिब अलैहा नहवहू व नहव बैतिहा, और अपने शौहर और घर के मामले में जो चीज उस पर लाजिम है कि करे वो उनको करने की पूरी कोशिश करे। मैंने औरत की जिम्मेदारी भी बता दी कि मर्द की भी, क्या समझ आया, दोनों की क्या क्या जिम्मेदारी, शौहर की क्या जिम्मेदारी है। नंबर एक, वो क्या करे, बीवी बच्चों का खर्च दे, ना नफका दे। नंबर दो, उनकी खरखाई करे और उनकी रहनुमाई करे, उनको नसीहत करे, और ऐसी चीजों से बचे कि जिससे घर में फसाद हो। ये जनरल थी दोनों के लिए। बीवी पे क्या लाजिम है कि शौहर की इताअत करे, घर और शौहर के मामले में जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करे, और वो भी उन चीजों से बचे जिससे घर में लड़ाई पैदा होती। और लड़ाई किन चीजों से पैदा होती है ये बताइए, अहम तरीन चीज किससे लड़ाई पैदा होती है, क्या है मस्दर और सोर्स लड़ाइयां पैदा करने के, जड़ क्या है, मासी, गुनाह। अच्छा, गुनाहों से घरों में लड़ाइयां होती है, जी बिल्कुल, गुनाहों से शौहर बीवी का रिश्ता कमजोर होता है, बिल्कुल, अल्लाह की नाफरमानी से होता है ये। उससे बचे, आप देखिए कैसी आपकी जिंदगी में खुशी पैदा हो जाएगी। मसलन हम लड़ाइयों को किस एंगल से देखते हैं, अच्छा शौहर और बीवी के दरमियान हम कहते हैं सास ने फूट डलवा दी, ठीक है, उसने क्यों फूट डलवा दी, क्या हुआ, वजह क्या हुई थी, उसने बेटे के कान भरे मसलन, बेटे को गुस्सा आया, बेटे ने लगा ही दो बीवी को, मैं बुरा भला कहा, सोचिए सास को जरूरत क्यों पेश आई बेटे के कान भरने की, क्या किया था आपने, यानी कि उसके साथ आपने कुछ ज्यादती की। बुजुर्गों का हक क्या है, कुछ भी हो उनका हक क्या है, सास ससुर भी माँ बाप की जगह होते हैं, ठीक है वो बराबर का दर्जा तो नहीं, लेकिन बहरहाल है तो माँ बाप ही, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं किया, इज्जत नहीं की, तवज्जो नहीं की, उनको मोहब्बत नहीं दी, क्या चाहिए होता बड़ों को, आपसे माल नहीं चाहिए होता, उनको मोहब्बत चाहिए, केयर चाहिए होती, वो चाहते हैं कि कोई हमें पूछ ले, खाना खा भी चुके हो ना तो फिर भी पूछा करें, खा लिया आपने, कुछ और तो नहीं चाहिए, सो के उठे, अच्छा आपकी नींद पूरी हुई, आज आपको नींद आई, अच्छा आपने दवा खा ली, चाहे आपने उनके लिए मुलाजम रखे हुए हो जो उनकी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, कोई नर्स रखी हुई आपने उनकी केयर के लिए, फिर भी आप खुद बैठे साथ पूछे ये हो गया ये हो गया ये हो गया, केयर। अगर आप उनको रोज सलाम करने वाले, हाल पूछने वाले हैं, थोड़ा सा बस आगे होने वाले हैं, तवज्जो और अहमियत देने वाले, मोहब्बत देने वाले, तो नहीं उनको जरूरत पेश आएगी कि वो कोई अपने दुखड़े और गिले और शिकवे फिर बैठ के बेटे के साथ करें, क्योंकि और तो उनको कोई हमदर्द नजर नहीं आता, अपना बेटा ही नजर आता है, फिर उन्होंने उसी से करनी है, वो उससे ना करें, वो आपसे करें, ऐसी बेटी बन जाए कि वो आपसे करें। जो जो इंसान बड़ा होता जाता है ना, छोटी छोटी चीजें उसको बहुत दुख देने लगती, और खुसूसन खवातीन, आमतौर पर लड़के जब जवान होते हैं तो औरतें मेनोपॉज की उम्र में पहुंच चुकी होती हैं, क्रिटिकल एज, जिसमें वो बाजू का अपने वजूद से भी तंग होती हैं। ऐसे में बहू को तो समझ ही नहीं आ रही कि इनको है क्या, इनका मूड ही क्यों ऑफ रहता है हर वक्त, किसी ने बताया ही नहीं ना, हमने जानने की कोशिश की कि बुजुर्गों के मूड क्यों ऑफ होते हैं,